हाय फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट वीडियो ले रहे हैं हम नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ आरएनए। हमारा चालू था जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए के टाइप्स। ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ आरएनए टीआरएनए, फिर से ही लेना है स्मॉल एम टी एंड आर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट आरएनए। अब एमआरएनए के जैसे कोई टाइप्स नहीं थे, उसका स्ट्रक्चर एक ही फॉर्म में होता है, सेम होता है, बट हियर टीआरएनए शोज द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक तो वो लोअर लिप मॉडल में आता है और दूसरा हेयरबिन मॉडल, जैसे गर्ल्स वो हेयरबिन जो लगाती है ना, वो हिसाब से। तो हम जनरली हेयरबिन मॉडल लेंगे। ये भी थोड़ा डिटेल है, ट्वेल्थ में, टेंथ में आपको सिर्फ इसमें जैसे हमने कोडॉन देखा था वैसे एंटीकोडॉन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नाउ टीआरएनए कैसा होता है? सो टीआरएनए इज अ इट शोज द ओवरलैपिंग, इट शोज ओवरलैपिंग पैटर्न। अब ओवरलैपिंग जैसे एमआरएनए स्ट्रेट था, तो ये स्ट्रेट तो होता है लेकिन ये खुद पे क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है लाइक दिस। सी, अब यहां पेयरिंग होगी लाइक इन डीएनए, लेकिन डीएनए में जितने प्यूरिन बेस होंगे उतने ही पिरिमिडिन, लेकिन यहां पे क्या होगा, तो ये जो लूप होता है लूप, तो ये लूप में तीन न्यूक्लियोटाइड ये होते हैं अनपेयर। मैं ले रहा हूं यूएसी, क्लियर? अब यूएसी क्यों लिया, तो अगर आपको याद होगा एमआरएनए में बहुत सारे कोडॉन होते हैं, तो उसमें फर्स्ट कोडॉन आता है एयूजी, एयूजी दैट इज एडेनिन यूरैसिल एंड ग्वानिन। मैंने आपको पेयरिंग पढ़ाई थी, अब पेयरिंग में इसके कॉम्प्लीमेंट्री ले लो। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स नाउ सी एडेनिन फॉर्म्स द डबल बॉन्ड विद थायमिन। अब थायमिन तो यहाँ पे आरएनए हम देख रहे हैं उसमें नहीं आएगा, तो इंस्टेड ऑफ थायमिन देयर इज अ यूरैसिल, तो ए है तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू है तो क्या आएगा ए, एंड जी है तो सी, क्लियर? तो एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया यूएसी। नाउ सी हियर, मैंने क्या लिया यूएसी, तो जैसे हमने कहा था कोडॉन, वैसे यहाँ पे आएगा एंटी कोडॉन। What is anticodon? Similar to that of codon. Codon is a triplet of triplet of nucleotide present on mRNA. Here also unpaired triplet जो दिख रहा है आपको, तो ये भी triplet होता है, तीन nucleotide का pair है, but it is present on tRNA. So how we define anticodon? Again, it is a triplet. That is group of थ्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन टीआरएनए इट्स कॉल्ड एज एंटीकोडॉन। काय एंटीकोडॉन म्हणजे टीआरएनए जो ओवरलॅप करतो त्याच्यामध्ये एक फ्री लूप येतो आणि फ्री लूप मध्ये तुम्हाला तीन न्यूक्लियोटाइड अनपेअर दिसतील। हे जे ट्रिपलेट आहे टीआरएनए वरचं जे अनपेअर आहे दॅट इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन। अब टीआरएनए जैसे हमने नाम लिया है कि ट्रांसपोर्ट आरएनए, तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि एक कोडॉन है तो एक अमीनो एसिड स्पेसिफाई होगी, पण ते अमीनो एसिड येण्यासाठी कोडॉन एमआरएनए आणि एंटीकोडॉन टीआरएनए दोघांचं कॉम्बिनेशन होणं आवश्यक आहे। जसं आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो, थोड़ा व्यवस्थित लक्ष द्या, हियर अमीनो एसिड सपोज यूएसी, लक्ष द्या व्यवस्थित टीआरएनए च्या। आता जसं आपण डीएनए मध्ये 5N3N घेतलं होतं, इथेही 5N3N असतात। स्टेट जर तुम्ही आरएनए काढला तर हा 5N हा 3N, बरोबर आहे, इथं सेम राहील 5N और ये ओवरलॅप होने के बाद ऊपर आएगा 3N। ओके, तो इसके 3N में क्या अटैच होता है, अमीनो एसिड। अब मैंने सिर्फ यहाँ अमीनो एसिड लिया, लास्ट वीडियो में अपन एग्जांपल घेतला है, मतलब सपोज करा कि एयूजी नावाचं काय असेल कोडॉन, अगर एयूजी नाम का कोडॉन है तो उसका एंटीकोडॉन क्या बन गया, यूएसी, पक्का एयूजी कोडॉन यूएसी एंटीकोडॉन, क्लियर? नाउ एयूजी नाम का जो कोडॉन था उसने कौन सा अमीनो एसिड स्पेसिफाई किया था, मिथियोनिन, तो लिखता हूं मैं मिथियोनिन,
अब एयूजी का एंटीकोडॉन क्या है? यूएसी। तो इसका टीआरएनए कैसा होगा? नाउ सी हियर, अगर ये यूएसी है एंटीकोडॉन, तो आपको क्या लिखना है? कोडॉन लिखना है। क्या है कोडॉन? एयूजी। यूएसी एंटीकोडॉन का कोडॉन होगा एयूजी। एयूजी क्या स्पेसिफाई करेगा? कौन सा अमीनो एसिड? मिथियोनिन। तो यहां पे मैंने जो अमीनो एसिड लिखा तो यहां आएगा मिथियोनिन। टीआरएनए या अशा अमीनो एसिडला ट्रांसफर करतो, हेल्थ इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ आरएनए, टी दॅट इज ट्रांसपोर्ट। मग आता कोणता अमीनो एसिड रेट कसं ओळखायचं? तर पहिल्यांदा आपल्याला जावं लागेल कोडॉन जवळ, जो कोडॉन असेल त्याचा अँटीकोडॉन। आता जर एयूजी कोडॉन आहे तर ॲक्च्युली अमिनो ॲसिड स्पेसिफाय कोडॉन करतात, परंतु अमिनो ॲसिड कोणता राहील हे कोडॉन आणि अँटीकोडॉन दोन्ही याच्यावर डिपेंड आहे। जो कोडॉन असेल फॉर एक्झाम्पल एयूजी आहे, तर याचा अँटीकोडॉन जर इथे यूएसी अटॅच असेल तर त्या कोडॉननुसार अमिनो ॲसिड येईल मिथियोनिन। अब सपोज या ट्रिपल जी है, जी जी जी, क्लियर? अब जी जी जी, सॉरी, अगर हमने कोडॉन लिया जी जी जी, जी 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 जिसका कोडॉन है ट्रिपल जी, तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? सी सी सी, साइटोसिन। तो मैं अगर यहाँ पे सी 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 लिखता हूँ तो यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सा है? निशान तो आठवा दूंगी फिर से एक बार, कोडॉन है जी जी जी, एंटीकोडॉन कोणता? सी सी सी। मग जर टी आर एन एला सी 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 अटॅच असेल तर अमिनो ॲसिड कोणता येईल? जी जी जीने काय रिप्रेझेंट केलं होतं? ग्लायसिन। सो हियर ग्लायसिन इज हियर, क्लियर? ये था सेकंड टाइप ऑफ आर एन एज टी आर एन ए फंक्शन। टी आर एन ए सप्लाय नेसेसरी अमिनो ॲसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। टी आर एन ए ट्रांसपोर्ट, सप्लाय बोलू शकते हो, ट्रान्सपोर्ट बोलू शकते हो, दोन्ही म्हणता येईल। टी आर एन ए ट्रान्सपोर्ट द रिक्वायर्ड अमिनो ॲसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कारण टी आर एन ए जवळ काय असतं? अमिनो ॲसिड असतो। हा आता पुढे आपण जे आर बघू त्या आरवर जातो, म्हणजे रायबोसोमवर, आणि मग तिथून तो अमिनो ॲसिड देऊन देतो आणि एम टी झालेला टी आर एन ए लेफ्ट होतो। हे सगळं पुढे आपल्याला येईल। अँड नाऊ नॉन जेनेटिक आर एन ए का लास्ट टॉपिक, दॅट इज आर आर एन ए। एकदम शॉर्ट है, आर अगेन स्मॉल। नो आर कॉल्ड एज राइबोसोमल आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए। ओके, नाउ वी नो अबाउट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, सो मेनी आर देयर। तो त्यामध्ये एक होता रायबोसोम। रायबोसोम इज ऑल्सो वन ऑफ द सेल ऑर्गेनिल। ईच एंड एवरी सेल पदेस राइबोसोम, और राइबोसोम पर ये आरएनए चिपका हुआ होता है, दैट आरएनए अटैच ऑन द राइबोसोम, हेंस इट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम सेल ऑर्गेनिल? सो राइबोसोम कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तीनों आरएनए मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा? राइबोसोम नाम के सेल ऑर्गेनिल पे। तीन ही आरएनए मिळून प्रोटीन सिंथेसिस करतात, परंतु ये प्रोटीन सिंथेसिस नेमकं होतं कुठं? तर सेलमध्ये जो ऑर्गेनिल असतो दॅट इज रायबोसोम, त्यावर होतो। दॅट आर आर एन ए, हा आर नेहमी रायबोसोमवर अटॅच असतो, अँड हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज रायबोसोमल आर एन ए। आता याचे दोन फंक्शन आहे। आता रायबोसोम मॉलिक्यूलची साईज, शेप वगैरे स्कियार्ड नावाच्या त्या सायंटिस्टने दिली आहे, ते तुम्हाला दाखवले इतकं नाही आहे। पण रायबोसोम मॉलिक्यूल आपण कसं घेऊ? जनरली असे दोन रायबोसोम मॉलिक्यूल असतात, एक लार्जर आएगा एक स्मॉलर आएगा, ठीक है? और ये आर आर एन ए इस पर अटैच होता है इस तरीके से। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस के डायग्राम लेंगे, वैसे तो पीडीएफ में मैंने दी है, लेकिन वो सिर्फ आपने देख लेना, जब वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस तब आपको समझ में आएगी। तो ये आर इस पर अटैच होता है। अब आर होता कैसे और इसका फंक्शन क्या, इतना ही देखना है हमको। नाउ आर आर एन ए लगे ना स्ट्रेट लीनियर एंड विदाउट फोल्ड, इससे कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, लाइक एम आर एन ए इट इज द स्ट्रेट और लीनियर, बस सिंपली आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और ये इस पर अटैच होता है राइबोसोम पे।
अब आरएनए के दो या तीन फंक्शन भी आप कर सकते हो, जैसे फर्स्ट आरएनए अट्रैक्ट टीआरएनए बेस्ड ऑन कोडॉन ऑफ एमआरएनए। मैं पहले तीनों फंक्शन लिख लेता हूं, ओके, और फिर आपको एक साथ समझाऊंगा। आरआरएनए ऑल्सो अट्रैक्ट एमआरएनए एंड फिक्स इट ऑन राइबोसोम, क्लियर। एंड थर्ड फंक्शन, जो एमआरएनए पे कोडॉन होते हैं उसको रीड करना और उसके हिसाब से नेसेसरी टीआरएनए को अट्रैक्ट करना। थोड़ा आगे पीछे हुआ है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब तीनों समझा दूंगा। सो थर्ड फंक्शन ऑफ आरआरएनए, आरआरएनए रीड कोडॉन ऑन एमआरएनए एंड अट्रैक्ट द नेसेसरी टीआरएनए। तीन ही फंक्शन पुनः एकदा मी पहिल्यांदा तिसरं घेतो। आता काय होईल, सगळ्यात पहिले आर हा अटॅच होईल ऑन रायबोसोम, उसके बाद वो सबसे पहले ये सेकंड वाला आर आर एन ए अट्रैक्ट द नेसेसरी एम आर एन ए, ये एम आर एन ए को रायबोसोम पे बुलाएगा, ठीक है। एम आर एन ए इस तरीके से अटैच होता है लाइक दिस, पुढे बघूच आपण अजून। सपोज ए यू टी नाम का कोडॉन है। नाउ थर्ड फंक्शन ऑफ टी आर एन ए, आर आर एन ए रीड द कोडॉन। आर आर एन ए काय करतो,